आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है। जो भी स्टूडेंट CUET UG 2024 के एग्ज़ाम फॉर्म भरने वाले हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। इस बार काफ़ी सारे बदलाव CUET UG में होने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं क्या है वो बदलाव एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो बड़ा बदलाव है आपके लिए वो है, अब हाइब्रिड मोड में यानी कि ऑफलाइन मोड में भी CUET UG का एग्ज़ाम 2024 में कराया जाएगा। पहले क्या होता था, CUET UG 2023 में और 22 में सिर्फ ऑनलाइन ही हुए थे और काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था स्टूडेंट को। कई जगहों पे एग्ज़ाम कैंसिल भी हुए थे, कई जगह एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड भी हुए थे और बाद में कई बार एग्ज़ाम लेना पड़ा, शेड्यूल पूरा फेल हो गया, रिजल्ट भी उसकी वजह से डिले होता था, एडमिशन प्रोसेस भी काफ़ी डिले हो जाता था। तो इस वजह से कई जगहों पर इस बार ऑफलाइन एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट कराए जाएंगे। और भी काफ़ी सारी अपडेट है। जो एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड अपडेट है वो ये है कि आपका जो फॉर्म है वो 19 फरवरी के आसपास से भरा जाएगा। 19 फरवरी से इनका जो डेट है बताया गया है NTA के द्वारा, जो इंटरव्यू में इंडियन एक्सप्रेस आप देख सकते हैं ये वेबसाइट है, और इंटरव्यू में बताया गया है कि 19 फरवरी से आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो भरे जाएंगे। और जो टेस्ट पेपर की इस बार संख्या है उसे भी कम किया जाएगा और भी थोड़े बहुत बदलाव किए जाएंगे। नीचे जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, एग्ज़ाम का जो डेट है वो 15 मई से 31 मई के बीच में रखा गया है ऑल ओवर इंडिया। और अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें कि इस बार कितनी यूनिवर्सिटी रह सकती है, तो माना जा रहा है कि इस बार 400+ यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर सकती है CUET UG के एग्ज़ाम्स में इस बार 400+ यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर सकती है। और ये जो एग्ज़ाम है इस बार CBT मूड प्लस OMR सीट दोनों पे कराए जाएंगे। और अगर हम और कुछ डिटेल की बात करें टेस्ट पेपर कोड से संबंधित अगर हम बात करें, तो पहले क्या होता था कि स्टूडेंट के द्वारा 10 पेपर अलाउ था। मैक्सिमम जो सब्जेक्ट होते थे वो 10 पेपर का एग्ज़ाम दे सकते थे स्टूडेंट, लेकिन इस बार से सिर्फ 6 पेपर ही आप सभी चूज कर सकते हैं, जिसमें 3 आपका डोमेन सब्जेक्ट होगा, 2 आपका लैंग्वेज होगा और 1 जनरल टेस्ट। यानी कि मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट को ही आप चुन सकते हैं एग्ज़ाम फॉर्म भरने के दौरान, और इन्हीं 6 सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि जो वी वी आर टेकिंग 4 और 5 पेपर इन दी CUET UG, वी विल परमिट स्टूडेंट टू टेक ओनली 6 टेस्ट पेपर। तो आपको सिर्फ 6 टेस्ट पेपर ही इस बार एग्ज़ाम्स में दिया जाएगा करने के लिए। और जो पहले 10 पेपर का रिक्वायरमेंट होता था, यानी कि 10 टेस्ट पेपर आप चुन सकते थे, 10 सब्जेक्ट चुन सकते थे, यानी कि साइंस आर्ट्स सभी सब्जेक्ट आप चुन लेते थे और उसमें एडमिशन कराते थे, साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों ही बैकग्राउंड में आप आज चले जाते थे। इस बार क्या होगा कि आप इतना नहीं चुन पाएंगे, सिर्फ 6 ही डोमेन आप चुन पाएंगे और उसी में आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी होगी एडमिशन की, इस बार काफ़ी कंपटीशन भी होने वाला है, तो ध्यान से आप सभी अपनी तैयारी जारी रखें और जो एग्ज़ाम डेट है वो 15 मई से 31 मई के बीच में कराए जाएंगे।